ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ यामन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। नमस्कार गणराज को नमन सारदे मां नमस्कार श्री गुरु चरण लाज तुम्हारे हाथ लाज तुम्हारे हाथ लाज तुम्हारे हाथ। नमस्कार धरती गगन नमन वायु जल जीव नमस्कार तन मान बड़े नसीब मिलता बड़े नसीब मिलता बड़े नसीब। जाकी सेवा भाव से निरी भये श्री राम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम जय जय राधे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु।
बाधा दूर करें राधा।
मुकुट वंशी वाले की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले छोटे छोटे बच्चे सभी लोगों से जय श्री कृष्णा राधे राधे। भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान करने हेतु हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान की कृपा कथा तक पहुंचाती है। जब तक ईश्वर की कृपा ना हो तब तक कथा नहीं मिलती। और कथा ही हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। कथा मिल जाने से भगवान के मिलने में देर नहीं लगती। कथा मिल गई समझ लेना चाहिए कि भगवान मिल गए। आज धार की इस भूमि पर कृषि उपज मंडी में हमारे अनाज दलहन तिलहन व्यापार समिति के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। एक बार इस समिति के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत इनका वंदन इनका अभिनंदन करें और इनके प्रयास के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु इनके प्रयास आपकी सेवा के लिए मतलब ईश्वर की सेवा के लिए ऐसे ही होते रहें और भगवान की कृपा इन भक्तों पर इस समिति पर इस मंडी पर इस धार पर हमेशा ईश्वर की कृपा बरसती रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हमारी ये समिति धार में जब जब कृषि उपज मंडी में कथा हुई तब तब हमारे इन सभी भक्तों ने समिति के सभी भक्तों ने कथा का रसपान किया और किया ही नहीं इन्होंने प्रयास भी किया कि हमारे द्वारा पुनः भागवत का आयोजन होना चाहिए और मन में जो अच्छे संकल्प उठते हैं भगवान उन्हें जल्दी से पूरा कर देते हैं। आप देख ही लीजिए अच्छे संकल्प अच्छे विचार अच्छे ख्याल यदि जीवन में आ जाएं, देर नहीं लगती। बहुत कम समय में बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे समिति के लोगों ने करी है। जरा ताली बजाकर समिति का फिर से स्वागत करें वंदन और बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान की ये कथा मुझे विश्वास है कि आपके जीवन की व्यथा को ये भागवत की कथा जरूर दूर करेगी। जहां जहां कथा होती है बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की हो। भागवत भगवान की बांके बिहारी लाल की हो। श्री हनुमान जी महाराज की राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
भागवत की गंगा में गोता लगाते हुए हम आज कथा में श्रवण कर रहे हैं और करेंगे ईश्वर की महिमा। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण और साधना टीवी के माध्यम से घर में बैठकर देखने वाले इस कथा का रसपान करने वाले सभी भक्तों, आप सभी से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान भगवान की कृपा से ही मिलता है। ईश्वर की कृपा हो गई इसका अर्थ है भगवान की कथा का मिल जाना। यदि भगवान की कथा हमें प्राप्त हो गई तो समझ लीजिए कि अब ईश्वर के मिलने में देर नहीं है, क्योंकि कथा ही परमात्मा तक पहुंचाने वाली है। दूसरा कोई साधन नहीं है जो आपको ईश्वर तक पहुंचा दे। कथा मात्रैक जीवनम, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, उनका जीवन भगवान की कथा होता है, और वो कथा जो हमारे जीवन की व्यथा को दूर कर देता है। बोल राधे राधे। भागवत में भक्त और भगवान की कथा है। आज से 7 दिन तक निरंतर हम भागवत का रसपान करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। भागवत की कथा मनवांछित फल को देने वाली है। जो इच्छा आपके मन में हो वो इच्छा मन में लेकर बैठ जाइए और 7 दिन तक कथा का रसपान करिए, ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर जरूर पूर्ण करेंगे। ये भागवत की महिमा है सरकार। भागवत में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कैसे दिखते हैं भगवान? तो सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम् नमः। ईश्वर सत्य है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। भगवान कैसे दिखते हैं ये भागवत में महिमा गाई है। ईश्वर सच्चिदानंद, ईश्वर सत्य है, चित है, आनंद का स्वरूप है। सत्य चित आनंद सच्चिदानंद, ईश्वर सत्य है। ये संसार जो दिख रहा है सरकार, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी भी नाश नहीं होता। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, संसार की हर वस्तु का नाश होता है, लेकिन ईश्वर ऐसे हैं जिनका नाश कभी नहीं होता, वो सदा एक से है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर सत्य है, वो सत्यम परम धीमहि है। भगवान ही सत्य है, सरकार सब मिथ्या। भगवान शिव जी कहते हैं रामचरितमानस में, हे उमा, ओ उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, भगवान शिव कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, सत हरि भजन
भजन अपना है, संसार तो सपना है। इस संसार में, इस दुनिया में आकर के भगवान का भजन करोगे, वो भजन में जो पूंजी आप कमाओगे वो भजन की पूंजी आपकी है, बाकी पूंजी आपकी नहीं। सत्य है ईश्वर, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा भैया ये बताओ, आपने कभी सपना तो देखा होगा, देखा कि नहीं? मैया, ओ मैया, सपना देखा कभी कि नहीं? अच्छा सपना आपने देखा है, स्वप्न जब आप देखते हो तो रात्रि में स्वप्न देखते हो, है ना? जब आपकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि रात्रि में हमने जो देखा था वो सपना था। याद रखना, आंख जब खुलती है आपकी सुबह तो रात्रि का सपना टूट जाता है, है ना? आंख खुली तो रात का सपना टूटा, आंख खुली तो पता चला कि रात में जो देखा था हमने वो तो सपना था। भाई आंख खुलते ही रात का सपना टूट जाता है, और जिस दिन आपकी ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी उस दिन ये दुनिया का सपना भी टूट जाएगा, ना वो अपना ना ये अपना। तो अपना क्या? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। सिर्फ भगवान के भजन में भरोसा कर लो, वही अपना है, बाकी सब सपना। ईश्वर सत्य है, उस सत्य सत्यम परम धीमहि को पकड़ लो, उसके चरण पकड़ लो। जैसे गौ माता की पूंछ पकड़ करके वैतरणी नाम के नर्क से पार हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ के भवसागर से पार हो जाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। केवल नाम, ईश्वर सत्य है, सिर्फ सत्य ही नहीं, चित चित बोले तो प्रकाश, वो परमात्मा प्रकाशशील भी है। अच्छा बताओ आप में से किस किस के पास भगवान है? आपके पास भगवान है? मैया बोलो, भगवान है आपके पास? कहाँ कहाँ? यहाँ हृदय में। अब आप कहो कि यहाँ भगवान है, तो यहाँ भगवान है तो फिर मैं अभी कहूँगा कि एक्सरे करा लो। यदि यहाँ भगवान है तो एक्सरे में आना चाहिए, है ना? आना चाहिए, पर आते कहाँ? ईश्वर यहाँ तो है, हमें भी विश्वास है, हमें भी पता है, लेकिन सबके हृदय में ईश्वर नहीं होता, याद रखना। सिर्फ कह देना अलग है कि मेरे पास भगवान है, मेरे पास कृष्ण है, कह देना अलग है, और विश्वास रखना उस परमात्मा में, ये विषय अलग हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सबके हृदय में ईश्वर नहीं है, किसके हृदय में ईश्वर है ये परिभाषा को समझना पड़ेगा। क्या बाबा तुलसी कहते हैं? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है प्रभुता के हृदय आप। सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं, और जिसके हृदय में सत्य है, जिसके हृदय में सत्य की जगह है, उसके हृदय में भगवान है। जिसके पास सत्य नहीं उसके पास श्याम सुंदर नहीं। पहले सत्य को जगह दो, अपने आप से पूछो कि आप कितने सत्यवादी हो, फिर आप दावा करना कि ईश्वर हमारे पास है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को ईश्वर मिलते हैं सरकार, झूठ के मार्ग पर चलने वाले को कभी नहीं मिलते, वो सत्य के मार्ग पर। तो भगवान सबके पास है ये विश्वास आपको प्रगाढ़ करना पड़ेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ आपको कहना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा, तब उस ईश्वर का दर्शन आपके हृदय में हो पाएगा। क्योंकि ईश्वर विश्वास की चीज है, विश्वास की वस्तु है। हाँ, तो आपको यदि ईश्वर से मिलना हो तो उस ईश्वर पर पहले विश्वास करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। भगवान वैसे भी कहते हैं
कि तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो राम जी तो हमारे साथ में सदा है, बस हमें कहने की देर है। ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम राम।